सूरज की किरणें अभी ठीक से सुंदरवन में आई भी नहीं थी कि चारों ओर जश्न का माहौल सा छा गया। सबसे पहले तो कलियां खिलखिलाकर उठी। कौवे ने घोंसले से सिर निकाल कर देखा, टूना सवेरे सवेरे उड़ती हुई कहीं जा रही थी। कौवे ने आवाज लगाई, अरे टूना बहन, सारे लोग नए वर्ष का स्वागत कर रहे हैं, तुम कहाँ जा रही हो? नए वर्ष की शुभकामनाएं तो लेती जाओ। आपको भी नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। भैया, मैं भी नए वर्ष का ही स्वागत करने जा रही हूँ। रास्ते में कबूतरों का झुंड नए वर्ष को सेलिब्रेट कर रहा था। सभी कबूतर मधुर संगीत पर कमर मटका मटका कर नाच रहे थे। टूना को तेजी से उड़ते हुए देख वो बोल पड़े, अरे टूना बहन, सवेरे सवेरे कहाँ जा रही हो? आओ हमारे साथ नए वर्ष का जश्न मनाओ। नहीं नहीं, आप लोगों के साथ मैं नहीं आ सकती, लेकिन मैं भी नए वर्ष की शुरुआत ही करने जा रही हूँ। टूना आगे बढ़ती है। कुछ ही दूरी पर मछलियाँ नदी में नए वर्ष की खुशी में उछल कूद कर रही थी। टूना को देखकर एक मछली बोली, अरे टूना बहन, क्या आज भी दाना चुगने की चिंता में उड़ी जा रही हो? क्या तुम्हें याद नहीं आज नया वर्ष है? अरे मछली बहन, याद है, मुझे सब याद है। मैं भी नए वर्ष की खुशी मनाने दूसरी जगह जा रही हूँ। ऐसा कहकर टूना आगे बढ़ती है। आगे शेर की गुफा के पास ढेर सारे जानवर नए वर्ष की धूमधाम से शुरुआत कर रहे थे। वहाँ कई तरह की मिठाइयाँ भी बन रही थी, नाचने गाने का इंतजाम भी था। बाजे गाजे के साथ सभी झूम रहे थे और जश्न मना रहे थे। टूना को देखकर शेर ने आवाज लगाई, अरियो टूना, सवेरे सवेरे कहाँ जा रही हो? आओ यहाँ, हम सब नए वर्ष की शुरुआत अच्छे से करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तुम भी आओ। माफ कीजिए, मैं अपने नए वर्ष की शुरुआत किसी और चीज से करना चाहती हूँ। आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। टूना को उड़ते देख एक बंदर देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर टूना इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही है। उसने जंगल के बाकी जानवरों से कहा, क्यों ना हम चलकर देख लें टूना आखिर क्या कर रही है और इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही है। बंदर ने राय दी और सब टूना के रास्ते चल पड़े। टूना को देखकर शेर बोला, अरे ये क्या, ये टूना तो बड़ा अच्छा काम कर रही है। इस नन्ही सी चिड़िया की सोच तो देखो कितनी अच्छी है। सामने ढेर सारी चींटियों के झुंड को संबोधित कर रही थी। बहनों, तुम में से कई चींटियां गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाती और स्कूल जाना बंद कर देती है। इस नए वर्ष पर मैंने संकल्प लिया है कि कुछ गरीब चींटियों की पढ़ाई के लिए मदद करूंगी, साथ ही अन्य चिड़ियों और जानवरों को भी प्रेरित करूंगी कि वे भी तुम्हारी आर्थिक मदद करें। टूना की बात सुनकर मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कई चींटियों की आंखों में खुशी के आंसू भी टपकने लगे। जंगल के बाकी जानवर भी टूना के पीछे खड़े सब कुछ सुन रहे थे। उन्हें देखकर टूना ने कहा, मैं कुछ गरीब चींटियों का भविष्य संवार कर नए साल की शुरुआत करना चाहती थी, सो मैंने सवेरे से पहले यही काम किया। मैंने सोचा कि नए साल की इससे अच्छी शुरुआत भला क्या हो सकती है। तो देखा बच्चों आपने, नन्ही सी चिड़िया और सोच कितनी बड़ी। कुछ सीखना चाहिए, कुछ क्या, हमें भी हंसने गाने, बाजा बजाने, पकवान मिठाई खाने से पहले किसी असहाय लाचार गरीब की मदद करने का काम जरूर करना चाहिए। अभी भी वक्त गुजरा नहीं है, चलो आओ सबके सब किसी मजबूर का भविष्य संवारने के लिए जुट जाएं। इसी तरह हमारी भी नए साल की शुरुआत अच्छी रहेगी। क्या कभी आप भी नए साल में किसी गरीब या लाचार की मदद करके उसकी ज़िंदगी में बदलाव ला पाए? अगर हाँ तो हमें अपनी स्टोरी ज़रूर भेजें। हम कोशिश करेंगे कि वो स्टोरी हम अपनी अगली स्टोरी में अपने सब्सक्राइबर्स से ज़रूर शेयर करें। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी स्टोरी भेजने के लिए हमें tunatoon5@gmail.com पर मेल करें। एक नदी में बहुत सारी मछली रहती थी। उसमें तीन दोस्त भी थे,
जिसमें एक का नाम था टूना मछली, दूसरा था बंटी ऑक्टोपस और तीसरा था सोनू केकड़ा। ये भले ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग। टूना मछली समस्या आने से पहले उसका हल ढूंढ लेती, वहीं केकड़ा समस्या आने के बाद उसका हल ढूंढता, और बंटी ऑक्टोपस को तो क्या ही कहना, वो सिर्फ अपनी किस्मत पर ही निर्भर रहता। एक दिन शाम का समय था और एक मछुआरा नदी के पास से गुजर रहा था, और गुजरते गुजरते उसने बोला, अरे इस नदी पे कभी मेरी नजर क्यों नहीं पड़ी, कल सुबह सुबह आकर मछलियाँ पकड़ लूंगा बहुत सारी और बाजार में बेच के बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। टूना मछली मछुआरे की बात सुन लेती है और भागकर बंटी और सोनू के पास जाती है। अरे दोस्तों, मुझे तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। कल सुबह सुबह एक मछुआरा बहुत बड़ा जाल लेकर आएगा और हम सबको पकड़ कर ले जाएगा। चलो जल्दी से हम पुरानी गुफा में जाके छुप जाते हैं। अरे टूना मछली, अभी तो मछुआरे ने बस बोला है, आया थोड़ी है, क्या पता सुबह उसकी आंखें ना खुले, जब वो आएगा तब देख लेंगे क्या करना है और कैसे बचना है। अरे तुम दोनों इतना क्यों सोच रहे हो, होना तो वही है जो किस्मत में लिखा है। मैं तो आराम से बैठूंगा, मुझे अपनी किस्मत पे पूरा यकीन है। तुम दोनों तो बस बातें करते रहो, मैं तो जा रही हूँ दूसरी नदी में। टूना मछली वहां से जब चली जाती है तो सुबह में मछुआरा भी पहुंच जाता है समय से। सोनू केकड़ा सोचने लगता है कि अब क्या करा जाए, और वो भाग के बंटी के पास चला जाता है। अरे बंटी ऑक्टोपस, मछुआरा तो सच में आ गया, टूना मछली की बात तो एकदम सही निकली, अब हम क्या करें। अरे रुको, मेरे पास एक आइडिया है, चलो हम चल के पुरानी गुफा में छुप जाते हैं, उस गुफा में तो मछुआरे का जाल पहुंच ही नहीं सकता। अरे सोनू केकड़े, मछुआरे को जाल फेंकने दो, कौन सा हम उसमें फंस जाएंगे, इतनी सारी मछलियां हैं नदी में, हमारा नाम थोड़ी लिखा है उसके जाल में, देखना कुछ नहीं होगा, तुम बस बैठे रहो यहीं पे। बंटी की बात सुनकर सोनू केकड़ा वहाँ से चला जाता है और पुरानी गुफा में छुप जाता है। मछुआरा अपना जाल फेंकता है और उसमें हमारा बंटी ऑक्टोपस फंस जाता है। काश मैंने टूना मछली और सोनू केकड़े की बात सुन ली होती तो मैं अभी उनके साथ होता, ना कि इस जाल में। टूना मछली और सोनू केकड़े से रहा नहीं जाता और वो तुरंत भाग कर आते हैं और बंटी ऑक्टोपस और बाकी मछलियों को बचा लेते हैं। पहले ही चेतावनी दी थी तुमको, बट तुम तो सुनते ही नहीं, क्या होता अगर हम ना आ पाते, क्या होता अगर हमसे जाल नहीं कट पाता। मुझे माफ कर दो, अगली बार मैं तुम दोनों की बात जरूर मानूंगा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, जो किस्मत पे यकीन रखते हैं और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, वो जिंदगी में किसी भी काम पे सफल नहीं हो पाते।